गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हम हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। तो जी बेसिकली जब मैं आपकी एनसीईआरटी बुक में गो थ्रू किया तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर कुछ टेक्निकल प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल व्हाटएवर कुछ भी था, ठीक है। तो वो भी सारी चीजें हैं जो कि आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मेनली आज थ्री टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल मैनेजमेंट की मीनिंग, इसके साथ साथ टेक्निकल प्रिंसिपल, आपकी बुक में यहाँ टेक्निकली प्रिंसिपल दिया गया है, और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल से कंपेयर करके ये दिखाया गया है कि वो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो जी आज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करेंगे। तो जी आज का जो नया चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आपको क्या रहना है, एक्टिव अलाइव रहना है, आपको एक्टिव रहना है, और साथ ही साथ जो भी बात मैं आप सभी को बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से सुननी है सारी बातें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चीज पहले ही बता रहा हूँ, ये चैप्टर इवन तक कि आप कोई भी कंपनी में जाइए, आप भी बिजनेस सुनना चाहेंगे, बिजनेस फ्यूचर में करना चाहे, या फिर कोई भी कंपनी में जाना चाहे, या फिर कोई भी मैनेजमेंट करना चाहे, कोई भी कहीं भी फील्ड हो, कहीं भी चले जाइए, आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जी अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये सब सारी मतलब रट्टू टोटा टाइप वाली चीज है जो कि आपको थोड़ा लर्निंग टाइप का करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा फायोल, ठीक है, और टेलर के, तो उसमें बहुत ही मजा आएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सब तो दूर की बात है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चैप्टर है क्या, करना क्या है, तो ये सारा आंसर मैंने यहाँ पर इस मीनिंग में लिख दिया है, ठीक। तो जी जैसा एक बार पहले हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ये गाइडलाइन है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब समझिए, मीनिंग तो जी बहुत छोटी सी है, दो लाइन की मीनिंग है, लेकिन बहुत बड़ी बातें कह जाती है, राइट। तो सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये आपको बताता है कि डिसीजन कैसा लेना चाहिए। जैसे आपके टीचर्स रहते हैं ना, आपको जरूर कहते होंगे कि बेटा हार्डवर्क करो, बेटा हार्डवर्क करो तभी जाके अच्छे नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो जी ये आपकी टीचर्स आपको जरूर कहती होंगी, तो ये आपको क्या करती है, गाइड करती है कि बेटा अच्छे नंबर लाना है तो हार्डवर्किंग कर कीजिए, तो ये आपको गाइड कर रही है। सो वैसे ही हर एक मैनेजमेंट को मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस देता है कि आपको डिसीजन कैसी लेनी चाहिए, मतलब वो ये बताता है मैनेजमेंट को कि आपको ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के, आपको उस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज करना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज को रखने चाहिए, कौन कौन से एम्प्लॉयज को कैसा कैसा काम देना चाहिए, कौन कौन से लेवल में किसको किसको रखना चाहिए, किसको किसको पावर देनी चाहिए, कैसी कितनी पावर देनी चाहिए, किस हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, एक मैनेजमेंट को गाइड करता है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग कैसी करनी चाहिए, ठीक। अब मैंने यहाँ पर लिखा है एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। अब जी बिहेवियर का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग का तो जान लिया, बिहेवियर का, तो जी बिहेवियर का मतलब होता यह है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बताता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को कि आज की आप मतलब आज कोई भी मैनेजमेंट को बेसिकली ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कि आज आपकी पोजीशन क्या है और फ्यूचर में आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मतलब ये बताता है बेसिकली कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की आज स्टेटस बेकार है, आज उसकी रनिंग बेकार है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन को ये गाइड करता है कि उन्हें कैसे फ्यूचर में उनकी पोजीशन को अच्छी करनी चाहिए। और अगर कोई भी मैनेजमेंट की मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आज स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, सो वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस ऑर्गेनाइजेशन को ये गाइड करेगा कि फ्यूचर में आपको और कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए, अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ानी चाहिए, ठीक। तो जी बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन यही है। तो जी और एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, मैंने क्या लिखा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत छोटा सा मीनिंग है लेकिन बहुत बड़ी बात कह जाता है ये। अब जी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर
कुछ तीन वर्ड्स लिखे हैं। तो जी बेसिकली ये क्या है, फीचर्स है। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ये जनरल है, ब्रॉड है और फ्लेक्सिबल है। अब जी आप सभी के दिमाग में एक चीज घूम गई होगी, यार यहाँ पर फीचर लिखा है तो ये सभी क्या है। तो जी ये सभी मैंने एकदम ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर से आपको एक बहुत बेसिक सा, जो बहुत बेसिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फीचर, वो आपको यहाँ पर बताया है। उसके डीप में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जहां पर आपको डीपली बताऊंगा ये सारी चीजों के बारे में, एकदम डीपली मीनिंग, राइट। तो जी सबसे पहला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज जनरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सबसे पहला फीचर क्या है कि ये जनरल है। अब जी जनरल मतलब, अब जी ये कोई भी फॉलो कर सकता है, छोटा हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई इसे फॉलो कर सकता है। ब्रॉड, अब जी ये क्या है, ये ब्रॉड है, मतलब जैसे आप जानते हैं मैंने आपको पिछली लेक्चर में पढ़ाया था परवेसिव, मतलब आपको पिछली चैप्टर में जो था आपको परवेसिव का मतलब बताया था, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक, तो जी मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी हर जगह पे प्रेजेंट है, चाहे आप यूके में हो, आपका बिजनेस इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता हुआ मिलेगा। ठीक, अब जी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जी ये थोड़ी बेसिक मीनिंग है, इसके अंदर डीपली हम लोग अगले लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब जी यहाँ पर मेरा मोटिव ये था बेसिकली पढ़ाने का। इसमें जी आपको क्या किया है कि आपकी बुक में आपको कुछ वहां पर साइंटिफिक प्रिंसिपल करके एक टॉपिक दिया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बुक में दिया है तो यार एक बार पढ़ी लो, क्या पता कि एग्जाम्स में आ गया। वैसे मैंने देखा तो कोई वैसे पूछा नहीं था, लेकिन तब भी। अब जी साइंटिफिक प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, जी जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको लगेगा कि यार मुझे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट है, रिजिड। ठीक, अब जी मैंने आपको पिछली चैप्टर में पढ़ाया था कि जी जो मैनेजमेंट का जो है, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट क्या रहता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। सो जी मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी टाइम अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन साइंस प्रिंसिपल टाइमली चेंज नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीजें, थोड़ी बोर टाइप की चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पता आपकी एनसीईआरटी में दिया ही है, इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि आपको बस एक बार थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि बेसिकली होता क्या है। अब जी जैसे देखिए, अब जी यहाँ पर और ज्यादा तो कुछ है नहीं, बहुत बेसिक चीज है। अब जी यहाँ पर आपको और एक चीज है, टेक्निकल, एक मिनट क्या दिया गया है, मैं भी एक बार कंफर्म जाता हूँ। हाँ, मैनेजमेंट टेक्निक्स करके दिया है, मैनेजमेंट टेक्निक्स करके दिया है। सो बेसिकली ये क्या होता है, अब जी देखिए सबसे बेसिक चीज आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट क्या करता है, ये गोल डिसाइड करता है, सबसे बेसिक चीज। ठीक, और जी मैनेजमेंट ये भी चीज डिसाइड करता है कि हमें इस गोल को कैसे अचीव करना है, कौन कौन सी ट्रिक यूज करनी है, कौन कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक, तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये सारी चीजों को डिसाइड करता है ना, कि कौन कौन से मेथड यूज करने चाहिए, कौन कौन से ट्रिक्स यूज करने चाहिए, कौन कौन से हमें टेक्निक्स को यूज करना चाहिए कि हमें गोल्स को अचीव कर सके। ये होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये डिसाइड करता है। लेकिन जी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, करने वाला मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, ये बेसिकली वर्क पे फोकस करता है, ये बेसिकली काम करता है। एक काम इन द सेंस, भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल ने तो डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये गोल होना चाहिए, तो जी मैनेजमेंट टेक्निक क्या डिसाइड करता है, मतलब ये एक मेथड, एक प्रोसीजर रहता है जो ये फॉलो करता है कि हम ये गोल को कैसे कैसे अचीव करें। तो बेसिकली यही फंड आइडिया, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत बोरिंग सा भी टॉपिक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नेचर भी कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखिए, जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ने वाले अभी तक पढ़ा नहीं है, तो जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे ना, वो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। चाहे आपका कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, हर जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होगा फॉलो आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, यूजिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल में वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप अपने अनुसार उसी अपने तरीके से कैसे भी कोई भी सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो, ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इसलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। अब ये जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये एकदम जनरल गाइडलाइंस है, ये कोई स्ट्रिक्ट लॉ वॉ नहीं है कि आपको फॉलो करना है मतलब करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, या आपकी मर्जी है कि आपको इसे फॉलो करना है या नहीं है। ठीक, अगर आप एज अ बिजनेसमैन या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे चलाना है या नहीं चलाना है। ये कोई स्टिक नहीं है कि आपको इसे फॉलो ही करना है। थर्ड पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, आप कोई भी चीज नई चीज बनाएंगे, ठीक, कोई भी नई चीज बना दिए आपने, प्रोजेक्ट कोई नया बनाया, तो आप उस प्रोजेक्ट को बार बार चला के तो देखोगे ना कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है काम भी कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने वाले थे, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाने वाले हैं, जो भी पीपल थे, उन्होंने भी क्या किया कि प्रिंसिपल्स को जब बनाया ना, तो उन्होंने भी सालों साल तक बहुत बार अपने प्रिंसिपल्स को यूज करके देखा, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग दिन में यूज करके देखा कि भाई जो वो प्रिंसिपल्स बनाया है वो सही में काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जाके जैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह काम करने लगे, तब जाके उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्चुअल में लॉन्च कर दिया। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट बने हैं ये रेगुलर ऑब्जर्वेशन के कारण बने हैं। हमने बार बार उन प्रिंसिपल्स को यूज करके देखा कि बार बार हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं तो प्रिंसिपल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो रेगुलर ऑब्जर्वेशन के कारण हमारा जो प्रिंसिपल है वो बना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक पेपर लिया, रात में बैठ गया और आपने ऐसे से प्रिंसिपल लिख दिया और वो प्रिंसिपल बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं कह दूं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक, चेंजेस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेनली बिहेवियर। अब इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने गए हैं ना, ये पीपल के बिहेवियर को गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए ही बने हुए हैं। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें आप यही पढ़ोगे फ्यूचर में जब हम क्लास पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, उसमें दो पीपल हैं टेलर और फ्योल, तो उन्होंने दोनों ने इस तरीके से प्रिंसिपल बनाया कि कहीं ना कहीं ये पीपल के लिए बनाया गया है प्रिंसिपल। मतलब पीपल को किस तरीके से चलाना है, अपने जो वर्कर्स हमारे अंडर काम करेंगे उन्हें किस तरीके से हमें काम करवाना है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना। इसलिए क्या है, पीपल के लिए बना, इसलिए ये क्या है, मेनली बिहेवियर। ठीक है, सिक्स पॉइंट है हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, इसका एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। टू सर्टेन एक्सटेंट आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड एंड पास्ट मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। देखिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो करेंगे तो इससे आप कई हद तक, टू सर्टेन एक्सटेंट, कई हद तक आप अपने रिजल्ट को, आउटकम्स यानी रिजल्ट को प्रिडिक्ट, मतलब पहचान सकते हो फ्यूचर में कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होने वाला है, और आप कोई भी पास्ट मिस्टेक्स, जो भी कोई मिस्टेक्स होगी, आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करोगे तो सबसे पहली चीज, आपका जो भी आउटकम रिजल्ट होगा वो आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब पता लगा सकते हो, अपना फ्यूचर देख सकते हो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेगी तो। और कहीं ना कहीं इससे आप पास मिस्टेक जो होगी या कोई भी मिस्टेक जो होगी आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। सेवन पॉइंट है कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये सिचुएशन के बेस पे होता है। ठीक, इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट है, मतलब आप इसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिचुएशन के अनुसार से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिमिलर होगा आपके फ्लेक्सिबल और आपका सेकेंड वाले पॉइंट से। ठीक है, तो कंटिंजेंट का मतलब होता है बेस्ड ऑन सिचुएशन, मतलब हम उससे सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अल्टर यानी चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसलिए ये कंटिंजेंट है। तो होपफुली आपने मेरे साथ सीख लिया होगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको एग्जाम्स में फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूछे, तो सबका एक मतलब एक ही है। लोग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक, जो आपने सोचा है उसको असली में किस तरीके से लाना है
ये चीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है सारे मैनेजर्स को करने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हेल्प्स मैनेजर इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिवेलिंग बिजनेस सिचुएशन। मतलब कोई भी मैनेजर किस तरीके से कोई भी बिजनेस के सिचुएशन को इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है सारे मैनेजर्स को, जिसकी हेल्प से वो कोई भी बिजनेस को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं और उसमें अच्छा से काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्प्स मैनेजर टू अवॉइड वेस्टेड दैट आर एसोसिएटेड विद हिट एंड ट्रायल अप्रोच। देखिए, जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से जैसे कोई भी मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सारे वेस्टेज होते हैं, वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है मैनेजर्स को जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें इस तरीके से कोई भी मैनेजर या इस तरीके की मैनेजर स्किल्स बताते हैं जो हमारी वेस्टेज को कहीं ना कहीं कम करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन एबल टू अडॉप्ट देमसेल्फ्स विद द चेंजिंग टाइम्स बिकॉज ऑफ द अडैप्टेबल नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, आए दिन आप सभी को पता है कि एनवायरमेंट कितना जल्दी चेंज होते जाता है, ठीक। तो जिस तरीके से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से टाइम चेंज होते जा रहा है, तो उसके साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते जा रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो नया स्टार्टअप है, तो कहीं ना कहीं ये नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जो नए नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते जा रहे हैं, उनको ही फॉलो करके नई नई ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर पा रही है, मार्केट में चल पा रही है। नहीं तो आज आपको पता है कि बिजनेस अगर स्टार्ट होता है अराउंड 100% अगर स्टार्टअप होते हैं मार्केट में, तो ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि 85% तो स्टार्टअप फ्लॉप हो जाते हैं और जो रिमेनिंग 15% है वो स्टार्टअप चल पड़ता है। तो तभी चल पाते हैं जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से फॉलोअप कर लेते हैं, ठीक है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन लेव देयर एक्टिविटीज एंड टेक्निक ड्यू टू चेंजिंग टाइम एंड अडॉप्टेड न्यू वन। सेम चीज लिखी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये अपनी सारी एक्टिविटीज जो भी नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं, अडॉप्टेड न्यू वंस का मतलब है जब नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं उसके हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और जो भी पुराने मेथड एक्टिविटीज या टेक्निक है जो पुराने समय में फॉलो करती थी वो उन्हें लेफ्ट मतलब छोड़ देती है और नए तरीके की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। यही सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए इसका नाम गया है मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए, ड्यू टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेल्स मैनेजर इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखिए, आज के समय में हम कंज्यूमर के हिसाब से चलते हैं, कस्टमर के हिसाब से हर बिजनेस काम करता है। जो कस्टमर को पसंद है हर बिजनेसमैन उनको उस तरीके की चीज प्रोवाइड करके देता है, ठीक है, क्योंकि सारे बिजनेस को भी पता है कि अगर वो कस्टमर के हिसाब से काम करेगा तो उसका सामान जल्दी बिकेगा और उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो अब क्या हो रहा है आज के समय में कि जितने भी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स होते जा रहे हैं वो अवेयर ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें हर चीज के बारे में फ्रॉड हो रहा है, तो उन्हें आजकल की कस्टमर्स को पता हो जाता है कि हाँ भाई फ्रॉड होने के चांस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने ये भी पढ़ के रखा है सोशल ऑब्जेक्टिव क्लास 11th में, जहां पर उन्होंने ये जाना था कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन सोशल मतलब लोगों के लिए सोसाइटी के लिए काम करता है, ठीक। तो यही पॉइंट ये भी कहता है कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, जो भी मैनेजर है वो इजिली क्या करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आराम से फुलफिल कर पाता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है एक बिजनेसमैन का 3 ऑब्जेक्टिव होता है, एक
सोशल ऑब्जेक्टिव, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर आप एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव करने के लिए अगर कोई भी मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो वो इजिली सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इजिली फुलफिल कर लेता है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। देखिए आज के समय में जो प्रिंसिपल्स यूज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, आज के समय भी देखिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक, तो आज के समय में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आप ट्रेनिंग में भी यूज करते हैं, एजुकेशन में भी यूज करते हैं एंड ऑफकोर्स रिसर्च में भी यूज करते हैं। प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रिंसिपल्स, इसमें कुछ नहीं लिखा गया, इसमें बस एक सीधी सी बात यही लिखी गई है कि आज के समय में जो भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप कर रहे हैं वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना चाहती है तो कर सकती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यही हमारे साथ कुछ 5 पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट बाय F.W. Taylor, तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. Taylor, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाला है ये लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी आपको F.W. Taylor के बारे में कुछ बातें भी पूछ सकती है जो कि हम लोग ने यहाँ पे बता दी है। देखिए सबसे पहले जो F.W. Taylor का फुल फॉर्म, मतलब ये पर्सन था, इसका फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है, फेडरिक FREDRICK फेडरिक विंस्लो WINSLOW विंस्लो टेलर। ठीक है, फेडरिक विंस्लो टेलर को हम शॉर्ट में F.W. Taylor भी कहते हैं। तो इनका बर्थ और इनका एंड, ठीक, मतलब ये पर्सन जन्म कब लिए थे, तो ये 20 मार्च 1856 को इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, और ये एक्सपायर हो गए थे 21 मार्च 1915 को। ठीक, अब जो F.W. Taylor है इन्हें हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब F.W. Taylor को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं। तो एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे किससे बोला जाता है। ठीक, अब ये जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. Taylor है तो ये एप्लीकेबल टू फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं ना कहीं सिर्फ फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ लोअर लेवल मैनेजर्स ही इसे करते हैं। ठीक है, मतलब F.W. जो मतलब जो आप प्रिंस यहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, ये जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं सिर्फ फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं, मतलब फैक्ट्री यानी जहाँ पे प्रोडक्शन चलता है। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्शन चलता है, हम वहीं पे सिर्फ F.W. Taylor को क्या करते हैं, F.W. Taylor के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो सिर्फ फैक्ट्री में काम करता है, और यहाँ पे आप और एक फ्यूल के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो ऑफिस के लिए काम किया जा ऑफिस के लिए काम करता है, लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये आपके फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। ठीक है, अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल्स, उसके बाद टेक्निक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि F.W. Taylor ने दिया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है कि हमें हर चीज़ को साइंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि नॉट रूल ऑफ थम, मतलब रूल ऑफ थम का मतलब है जो हमें बताया गया है उसी के हिसाब से हमें काम करना है, वैसा नहीं करना है, हमें साइंस के अकॉर्डिंग काम करना है, हमें पूरा सोच समझ के काम करना है, ना कि किसी ने कुछ चीज़ बताई आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलेगी और आप वही चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, आपको साइंस के हिसाब से पूरी चीज़ को सोच समझ के काम करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है साइंस नॉट रूल ऑफ थम। देखिए Taylor कहता है कि कुछ भी काम करने के लिए, मतलब सपोज कीजिए, इसको आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, सपोज कीजिए कि आप क्लास ट्वेल्थ में तो है अभी। ठीक है, अब क्लास ट्वेल्थ में एक पर्सन है मिस्टर अरुण और एक स्टूडेंट है मिस्टर राजू, तो ये दोनों जो स्टूडेंट है क्लास ट्वेल्थ में, तो अरुण ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए एक ट्रिक फॉलो करता है, वैसे राजू भी
क्या करता है, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई अलग ट्रिक फॉलो करता है, तो दोनों अलग अलग ट्रिक फॉलो करता है। लेकिन एट लास्ट सपोज कीजिए कि राजू का आ गया 96% और सॉरी अरुण का आ गया 96% और राजू का आ गया 94%। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अरुण ने कोई ऐसी ट्रिक फॉलो की होगी, एक ऐसी ट्रिक अपनाई होगी जिससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ठीक, तो मतलब ये प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी काम, चाहे आप पढ़ाई से लेके या बिजनेस चलाने से लेके कोई भी काम आप करते हो, उसका सिर्फ एक बेस्ट वे होता है, एक अच्छा तरीका होता है, वो अच्छे तरीके को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अरुण ने क्या कर दिया था, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेथड जो था उसने आइडेंटिफाई कर लिया था, उसको पता चल गया था कि भाई मैं ट्वेल्थ में इस तरीके से पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और उसने उसके हिसाब से काम कर दिया। तो इसने क्या कर लिया, उस मेथड को आइडेंटिफाई कर लिया और इसने अच्छे मार्क्स ला लिए। तो सेम चीज़ टेलर भी कहता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो तो कोई भी काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे अरुण को एक अच्छा तरीका पता चल गया, उसने उस तरीके को फॉलो किया और इसका सबसे अच्छा नंबर आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ टेलर ने भी लिखी है, देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड जिससे आप कोई भी काम को अच्छे से पूरी एफिशिएंसी मतलब एक अच्छा उस काम में एकदम टॉप कर सकते हो। ठीक, और वो मेथड को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप मार्केट में उसकी प्रॉपर स्टडी एंड एनालाइज करेंगे, तभी जाके आप वो मेथड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जिस समय आपको वो मेथड आइडेंटिफाई हो गया तब जाके आप उस काम को एकदम अच्छे तरीके से कर पाओगे, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज मतलब अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स एम्स एट फाइंडिंग ऑन द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ टास्क एंड टू इंक्रीज ह्यूमन एफिशिएंसी। सेम चीज है यहाँ पे मैंने लिखी है, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हमें बेस्ट मेथड फाइंड करना चाहिए कि जिसकी हेल्प से हम कोई भी टास्क को इजिली कंप्लीट कर पाए और जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। सेम वही चीज है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है हारमनी ना डिस्कार्ड। देखिए हारमनी ना डिस्कार्ड का क्या मतलब है, देखिए जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक, इन्हें कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है ना उसे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हम मार्केट में ज़्यादा बेच पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। इसलिए हर मैनेजर की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। और वहीं पे वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स को सैलरी या फिर वेजेस से मतलब होता है। ठीक, वर्कर्स को आप जो भी इम्प्लॉयज देखना उनके आए दिन सिर्फ अपने सैलरी की पड़ी रहती है या फिर अपने वेजेस की पड़ी रहती है, इंक्रीमेंट की पड़ी रहती है अपनी। इन अ प्रॉपर वे अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो इन्हें हमेशा इंक्रीमेंट से मतलब होता है। तो मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बिटवीन मतलब दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े होते हैं। ठीक, मैनेजर सोचता है कि वर्कर अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करते और वर्कर सोचता है कि मैनेजर अपना काम अच्छे से नहीं करते। ठीक, तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में आपस में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े होते रहते हैं मैनेजर्स और वर्कर के बीच में। तो टेलर कहता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हमें हारमनी क्रिएट करनी है। हारमनी मतलब एक तरीके का पॉजिटिव वर्ड है, हारमनी मतलब एक तरीके का फ्रेंडशिप, ठीक है, एक तरीके का प्यार हमें मैनेजर्स और वर्कर के बीच में क्रिएट करना है। ठीक, तो टेलर ने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला। उसने मार्केट में एक मेंटर रिवॉल्यूशन करके एक कंसेप्ट निकाला। इस मेंटर रिवॉल्यूशन के तहत अगर इस मेंटर रिवॉल्यूशन को कोई भी फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में झगड़ा जो होगा वो कम हो जाएगा और हारमोनी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मेंटर रिवॉल्यूशन है क्या, बोथ मस्ट चेंज देयर थिंकिंग। तो इस मेंटर रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट में तो क्या इसमें कुछ नहीं, बस जो टेलर है वो कहता है कि मैनेजर और वर्कर्स को अपनी थिंकिंग में अपनी दोनों जो आपस में दूसरे के लिए थिंकिंग रखना है, मैनेजर जो वर्कर्स के लिए सोचता है और वर्कर जो मैनेजर के लिए सोचता है, ये दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का अपना माइंड जो है वो चेंज करना चाहिए दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टेलर कहता है कि अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो बट ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक, तो कहता है कि अब मेंटल रिवॉल्यूशन में कि
सारे वर्कर्स को प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए, उसके लिए उन्हें एकदम अच्छे तरीके से वर्कर्स मस्ट परफॉर्म बेस्ट, मतलब वर्कर्स को एकदम अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। इससे प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इससे प्रॉफिट भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, जैसे प्रॉफिट उन्हें मिल जाएगा तो सारे मैनेजर्स को ये सारा प्रॉफिट को वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर वर्कर्स अच्छी तरीके से काम करेंगे तो मैनेजर जो चाहता है प्रोडक्शन बढ़ाना, वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर प्रोडक्शन अब जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो वैसे ही प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो सारे मैनेजर जो होंगे वो वर्कर्स के साथ अपना सारा प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेलर कहता है अपने मेंटर रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट में, और यही चीज मैंने लिखा है, वर्कर्स मस्ट परफॉर्म बेस्ट, वर्कर्स को अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, मैनेजमेंट शेयर गेन्स विद वर्कर्स, फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैनेजमेंट क्या कर देगा, वर्कर्स के साथ सारी गेन्स यानी सैलरी या वेजेस को शेयर कर देगा, सिंपल, ठीक है। इसे हम कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अब देखिए जो अगला है हमारे पास, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये पॉइंट ये कहता है कि दोनों मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है, मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये पॉइंट ये कहता है टेलर के हिसाब से कि मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नई चीज होती है तो डिसीजन मेकिंग में उन्हें क्या करना चाहिए, सारे वर्कर्स को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट वर्कर्स, मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को वर्कर्स से भी कंसल्ट लेना चाहिए जो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो भी वर्कर्स है उन्हें कभी भी स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ठीक है, जब एकदम जरूरी ना हो। तो ये बेसिकली ये पॉइंट इससे लिखाया गया आपको, ये दो पॉइंट, क्योंकि केस स्टडी में आपको ये पक्का पक्का दिखेगा, ठीक है। तो आप जब भी पक्का पक्का ये दिखेगा तो इसका समझ जाना है कि कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास अगला पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका ये पॉइंट ये कहता है टेलर के हिसाब से कि जो भी इम्प्लॉयज है इनका सिलेक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए, राइट सिलेक्शन, मतलब इनका सिलेक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए, अपने इम्प्लॉयज को हमेशा ट्रेनिंग इम्पार्ट, मतलब ट्रेनिंग बार बार देनी चाहिए सारे इम्प्लॉयज को। थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि टेलर ये कहता है कि जो भी इम्प्लॉयज को आप रखोगे उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें उनका वर्क देना, असाइन वर्क एज पर देयर कैपेबिलिटी, उनकी जो कैपेबिलिटी है उनके हिसाब से उनको काम देना। फोर्थ पॉइंट है उन्हें टाइमली इनिशिएटिव, मतलब उन्हें बार बार मोटिवेशन देना। तो बेसिकली मोटिवेशन मतलब लालच देना, मतलब जैसे सपोज करना आपको कोई एम्प्लॉयज को काम करवाना है, ठीक, तो आप प्राइस में ऐसे रख सकते हो कि भाई जो ये काम को कर देगा उसको 1000 रुपीज मिलेगा। तो इससे कोई भी इम्प्लॉय जो रहेगा ना वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा उस काम करने को, उस वो काम को जल्दी से जल्दी करेगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं टाइमली इनिशिएटिव, ठीक है। तो मैंने होपफुली आज आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एग्जाम्स में आपको केस स्टडी इसी के ऊपर ही घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए, और मैं हमेशा कहता हूँ आपको सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगी, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको हमारे सारे चैप्टर्स पार्ट वाइज एकदम अच्छी तरीके से अरेंज किया हुआ मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं चलता हूँ गाइस, और आप सब से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय, एंजॉय टेकिंग, चीयर्स। हाय फ्रेंड्स, आज हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है, ठीक है। तो सारी टेक्निक्स को पढ़ेंगे, सबसे पहली टेक्निक में फंक्शनल फॉर्मेलशिप, फिर और भी यहाँ पे 6 टेक्निक्स यहाँ पे लिखी गई है, और हर टेक्निक्स को एक एक बार अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टेक्निक जो टेलर का है वो है फंक्शनल फॉर्मेलशिप। देखिए इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे मैं एक डब्बा बना देता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको याद रहे। देखिए मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक, अगर हम इस पर्सन को बोले कि तू कॉमर्स भी पढ़ ले, ठीक, तू बायो भी पढ़ ले, तू पीसीएम भी पढ़ ले, तो क्या ये पर्सन इन
तीनों चीजों को कर सकता है एक साथ? आंसर नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अगर मैं एक पर्सन को बोल दूं तू कॉमर्स पढ़, एक पर्सन को बोल दूं तू बायो पढ़, एक पर्सन को मैं बोल दूं कि तू पीसीएम पढ़, तो बट ऑब्वियस है सब अपना अपना एक एक सब्जेक्ट उनको दे दिया गया, एक एक फील्ड उनको दे दिया गया है, तो वो इजिली उस चीज को कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर सिर्फ एक ही पर्सन को बोलो कि ये सारी चीज कर ले तो पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी है। अगर आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम अगर सिर्फ आप एक ही पर्सन को दे दोगे तो वो सारे काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को अलग अलग लोगों को बांट दोगे तो हर पर्सन उस काम को अच्छे से कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का काम जल्दी जल्दी भी होगा। तो टेलर फंक्शनल फॉर्मेनशिप वाले टेक्निक में टेलर समझाता है कि टेलर बिलीव दैट ऑल द क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन। मतलब एक ही पर्सन के अंदर आपको सारी क्वालिटी नहीं मिलेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये भी है, टेलर ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक बंदा, कोई भी सिंगल पर्सन को अगर आप सब काम दे दो तो वो कर नहीं पाएगा। He suggested putting a workers under eight functional former, foreman. वो ये कहता है कि अगर आप एक फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आठ लोग को रख दोगे, आठ लोग को मतलब जैसे फैक्ट्री मैनेजर जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज टेलर के हिसाब से, ठीक। प्लानिंग इंचार्ज में आपको चार लोग को रखना है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी, ठीक। और प्रोडक्शन इंचार्ज में भी आपको चार पर्सन को रखना है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीपल को आपको रखना है, तब जाके आपका फैक्ट्री का काम अच्छी तरीके से होगा, ऐसा टेलर कहता है। टेलर कहता है कि सिर्फ आप मान लीजिए सिर्फ आप इस पर्सन को बोलोगे कि ये सारा काम तो अकेले कर ले तो ये पर्सन कर नहीं पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम डिले लेट होते जाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन को ना देते हुए हम इन चारों को अलग अलग काम दे दे, ठीक है, तो सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम एकदम इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेलर कहता है अपने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टेलर बिलीव दैट ऑल द क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, ही सजेस्टेड पुटिंग अ वर्कर अंडर एट फंक्शनल फॉर्मेन, ठीक। ही वॉज समहाउ अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड, जी हाँ, ये कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट भी था टेलर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर ये जितनी भी चीजें, ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास प्लानिंग इंचार्ज, तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर चार आते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी, ठीक। तो चलिए प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहला है रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क का काम क्या है, देखिए सपोज कीजिए रूट क्लर्क में होता क्या है, सजेस्ट एग्जैक्ट सिक्वेंस इन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। मतलब रूट क्लर्क ये चीज को पता लगाता है कि किस तरीके से सारा काम होगा। मतलब सबसे पहले मान लीजिए कि ये मिस्टर राजू है, मिस्टर ए है, इसके पास रॉ मटेरियल आएगा, राजू रॉ मटेरियल को चेक करने के बाद वो मिस्टर बी को रॉ मटेरियल भेजेगा, जो मेन प्रोडक्शन का सबसे पहला काम है वो मिस्टर राजू बी करेगा, बी के बाद मिस्टर सी को सामान जाएगा जो क्वालिटी चेक करेगा, फिर उसके बाद फाइनल मिस्टर डी के पास जाएगा जिसके बाद वो पैकेजिंग करेगा। तो मतलब अल्टीमेटली अब रूट क्लर्क क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होना है, किस तरीके से काम जाएगा, मतलब ए के बाद बी को जाएगा काम, बी के बाद सी को, सी के बाद डी को, ठीक है। तो एक तरीके से सारा काम जो किस तरीके से ऑपरेशन टू बी, किस तरीके से सारा ऑपरेशन होगा वो रूट क्लर्क पता लगाता है, ठीक है, रूट क्लर्क बनाता है। तो ये पर्सन, रूट क्लर्क पर्सन ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम किस तरीके से परफॉर्म होगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ये पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जो ये चेक करते हैं कि जो भी आप काम वर्कर्स को दे रहे हैं वो उन्हें किस तरीके से हैंडल करें। मतलब जो आप अपने सारे वर्कर्स को कुछ ना कुछ काम दोगे, जॉब यानी काम दोगे, तो वो उन्हें किस तरीके से हैंडल करें वो काम इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताता है कि किस समय आपको टाइम किस तरीके से, मतलब किस
टाइम के अकॉर्डिंग आपको सारा काम को करना है और सारे काम को करने में कितना खर्चा आएगा, ये जो चीज़ है टाइम एंड कॉस्ट कलर निकालता है। डिसिप्लिनरी ये देखता है, ये क्या करता है, ये पर्सन रूल्स को बनाता है कि रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से फॉलो होंगे, और वो क्या करता है मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री, और वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मतलब शांत माहौल रखता है। ठीक है, इस ये है डिसिप्लिनरी पर्सन का काम। तो प्लानिंग इंचार्ज में चार लोग हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। इनके काम आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद होता है दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर चार लोग आते हैं। सबसे पहला गैंग बॉस का काम क्या है, देखिए गैंग बॉस क्या करता है, प्रोवाइडिंग इनपुट सो वर्क्स कैन बी डन इफेक्टिवली। ये क्या करता है, ये इनपुट प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करके देता है, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से ही क्या क्या होंगे फ्यूचर में काम होंगे। तो गैंग बॉस का काम यह है कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके देता है, मतलब इनपुट प्रोवाइड करके देता है। स्पीड बॉस चेक करता है, चेक वर्क प्रोडक्शन गोइंग ऑन इट एंड एक्यूरेटली। यहाँ पे टाइम लिख दो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से टाइम लिख लेना, मतलब स्पीड बॉस यहाँ पे ये चेक करता है कि टाइम क्या, जो उन्होंने टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में जो पर्सन ने टाइम शेड्यूल बनाया है, इस समय तक काम होना चाहिए, टाइम शेड्यूल बनाता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो स्पीड बॉस ये चेक करता है कि जो टाइम शेड्यूल बना है हमारा, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये काम स्पीड बॉस का है। रिपेयर बॉस ये चेक करता है, चेक वेदर मशीन इज इन गुड कंडीशन और नॉट। ये रिपेयर बॉस ये चेक करता है कि जो भी आप मशीन यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर ये पर्सन ये चेक करता है कि जो भी आपने गुड्स बनाया है ये अच्छी तरीके से बना है या नहीं बना है, ये काम इंस्पेक्टर का है। तो होपफुली अपने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो 8 पीपल है उनके काम को समझ लिया होगा। ठीक, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए दूसरी तकनीक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी तकनीक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन में ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन ऑल बिजनेस एक्टिविटी, मतलब आपको सारी बिजनेस एक्टिविटी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता। सपोज कीजिए कि एक मोबाइल है। ठीक है, ये मोबाइल जो मेरे पास है तो कंपनी ने इस टाइप के बहुत सारे मोबाइल बनाए होंगे। ठीक, तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन वाला पॉइंट है ये कहता है कि अगर आपको ये वाला मोबाइल मिला है तो इस ऐसे सेम मोबाइल जितने भी लोग को मिला होगा उनमें भी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुणाल हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल चीज़ उन्होंने प्रोवाइड कर दी, मे बी अगर कोई और पर्सन है उसको और ज़्यादा स्पेशल चीज़ प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी कस्टमर को एक टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उनको सारी क्वालिटी उनकी सेम होनी चाहिए, मतलब हर पर्सन को एक टाइप का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ना कि सबको अलग अलग। ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी एकता होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेराइटीज, डायमेंशन, साइजेस विच आर नॉट रिक्वायर्ड एंड हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। देखिए अगर मान लीजिए कि रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको हटा दो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ये कहता है कि कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा पे है, आपको एक्स्ट्रा वैरायटी में मिल रहा है, डायमेंशन, साइज या कुछ भी चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है जिसको आपको लग रहा है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को हटा दो, उसका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ से क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहता है। ठीक है, अब अगला हमारे पास तीसरी तकनीक मेथड स्टडी, फाइंडिंग आउट बेस्ट मेथड टू परफॉर्म जॉब। मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि आपको एक बहुत अच्छा तरीका आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी काम को करने के लिए। ठीक है, ये आपका मेथड स्टडी कहता है, जो कि टेलर की टेक्निक है। ठीक है, मतलब कुछ भी काम को करने के लिए आपको एक बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करना है जिसकी हेल्प से आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड स्टडी कहता है। मोशन स्टडी कहता है स्टडिंग मोशन लाइक होल्डिंग, मूविंग एसेट्रा। टेलर के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, मोशन को भी स्टडी करना चाहिए। मतलब हम कब ऐसे, मतलब आग जैसे
कितने बार हाथ हिला रहे हैं, कितने बार चल रहे हैं, तो ये सारी चीज मोशन के अंदर आती है, होल्डिंग, मूविंग एसेट्रा, ये सारी चीज मोशन के अंदर आती है। तो टेलर कहता है कि भाई जो भी मोशन एक ह्यूमन करता है, ठीक है, अगर वो नेसेसरी इम्पोर्टेंट है तो उसको रखो, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है, क्या नेसेसरी नहीं है, तो उसको रिमूव कर दो। टेलर सिंपल भाषा में ये कहना चाहता है मोशन स्टडी में कि हर वर्क फैक्ट्री में हर वर्कर अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, कोई वर्कर हाथ को 10 बार मूव करता है, कोई ज़्यादा चलता है, तो उन सबको आइडेंटिफाई करो, और जो भी मोशन आपको लग रहा है जो आपके एम्प्लॉय कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है तो उसको रखो, और जो मोशन इम्पोर्टेंट नहीं है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये मोशन स्टडी कहता है। टाइम स्टडी ये कहता है स्टैंडर्ड टाइम नीडेड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, मतलब आपको क्या करना है, वह है एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना है, उस टाइम के हिसाब से आपको अपने सारा काम को करना है, ठीक है। ये टाइम स्टडी टेलर का, जो टेलर ने टाइम स्टडी बनाया है वो ऐसा ये कहता है कि आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना है कि 5 घंटा, तो उस 5 घंटे के अंदर हमें सारे काम को करने हैं, ठीक है। तो ये ऐसा टेलर कहता है कि आपको कोई भी काम करना है तो आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बना दो, उसके हिसाब से उस जॉब या काम को करो। फैटिग स्टडी में टेलर कहता है कि डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर टेलर ये कहता है कि आपके वर्कर्स जो भी काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब कब आपके वर्कर्स को आराम चाहिए, कब कब उन्हें रेस्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में, जैसे मुझे भी याद है जब मैं स्कूल में था, तो उस समय स्कूल में जब था मैं, तो हमारे समय दो घंटा पढ़ाते थे, फिर रिसेस देते थे, जहाँ पर रिसेस में हम खाते थे, अलग अलग क्लास में जो अलग अलग फ्रेंड है हमारे उनसे मिलने जाते थे, मस्ती मार के आते थे, ठीक। तो उसमें हम लोग क्या हो जाते थे, फ्रेश हो जाते थे, तो फिर जो उसके बाद के पीरियड्स होते थे उसमें हम एक्टिव रहते थे, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर टेलर भी क्या है, ऐसी वर्कर्स के साथ भी है, वर्कर्स को आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कब कब आपके वर्कर्स को आराम की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, रिसर्स की ज़रूरत है, ठीक। तो आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि उन्हें इतना समय का, इतनी अमाउंट का रिसर्स ही है, फ्रिक्वेंसी मतलब इतने 2 बार 3 बार 4 बार अगर उन्हें आराम की ज़रूरत है, तो टेलर यही कहता है कि आपको सबसे पहले कितना रेस्ट आपके वर्कर्स को चाहिए, कितने बार आपके वर्कर्स को रेस्ट का ज़रूरत है, ये सबसे पहले आपको निकालना है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उन्हें इंटरवल देना है, और इससे आपके वर्कर्स क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फैटिग स्टडी कहता है। 7 पॉइंट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या टेलर कहता है कि जो भी एफिशिएंट वर्कर मतलब एक अच्छा वर्कर जो अच्छे तरीके से काम करता है, इनएफिशिएंट वर्कर जो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, बेकार काम करता है, तो टेलर कहता है कि एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर का जो मेथड ऑफ पेमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब आपको पैसा देना चाहिए एफिशिएंट वर्कर को अलग तरीके से, और इनएफिशिएंट वर्कर को आपको अलग तरीके से पैसा देना चाहिए, ऐसा टेलर कहता है। टेलर कहता है कि जो एफिशिएंट वर्कर है, जो अच्छे तरीके से काम करता है, उसका ज़्यादा पे करो, पे मोर, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है, ठीक है, उसको पैसा कम दो एज कम्पेयर टू एफिशिएंट वर्कर। मतलब जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इनएफिशिएंट वर्कर को आप पैसा कम दो, जो वर्कर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक। तो गाइस इससे होगा कि अल्टीमेटली जो भी वर्कर इनएफिशिएंट वर्कर है, तो उन्हें जब दिखेगा यार मुझे तो पैसा कम मिल रहा है, तो जैसे एफिशिएंट वर्कर्स को देखेगा कि भाई एफिशिएंट वर्कर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो इनएफिशिएंट वर्कर क्या करेगा, ट्राई करेगा कि वो एफिशिएंट वर्कर के जैसे काम करे, ठीक है, क्योंकि उसको भी ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा होगा, ठीक है। अगर उसके इनएफिशिएंट वर्कर भी अगर एफिशिएंट बढ़ गए, तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है। इसलिए टेलर कहता है कि जब भी आप पेमेंट करें, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर दोनों को अलग दीजिएगा, एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पे कीजिएगा और इनएफिशिएंट वर्कर को कम पे कीजिएगा एफिशिएंट वर्कर से, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी, मैंने आप सभी को शेयर किया
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। होपफुली आपने इसे समझ लिया होगा। सर मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चले बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।